हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी क्लास सिक्स नाइन्थ और इलेवेंथ के सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम्स की। आपकी इस पूरी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बोल्ड बनाने के लिए, बहुत ज्यादा सम अप करने के लिए हम लेकर के आ गए अपने साथ में कंप्लीट बैच फॉर क्लास सिक्स क्लास नाइन्थ एंड इलेवन ह्यूमैनिटीज के लिए, जिसमें हम एक एक सब्जेक्ट को एक एक सेक्शन को इतने डिटेल में और डिस्कस कर करके आपकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं कि आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेने वाले हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारी बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर 9519383272 पे कॉल करके आप हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 1 की, जो कि आपके सीएचएस क्लास 9 का अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका चैप्टर 1 होता है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। सो क्रॉप ये पूरा पैटर्न कैसे रहने वाला है, हम लोग पढ़ने कैसे वाले इसको, तो हमने फैक्चुअल बेसिस पे जो पॉइंट्स आपके चैप्टर 1 से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उठा लिए हैं, जिसको अगर आप एक बार कंप्लीट पढ़ लेते हो तो आपको इस चैप्टर से और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पूरा बोल्ड एंड कंटेंटफुल सिलेबस है आपका। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 1 से, जो कि है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एनर्जी का क्या यूज होता है हमारी बॉडी में? एनर्जी का यूज होता है हमारी बॉडी में या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन, खाने को पचाने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन क्रिया के लिए, और एक्सक्रीशन जो कि हम अपने वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। इन सारे पर्पसेस के लिए या और भी ज्यादा पर्पसेस जैसे हार्ट बीट कराना, ब्लड का सर्कुलेशन कराना, इन सबके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? फूड से। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट, एनिमल या दोनों से। इतने बड़े पॉपुलेशन को खाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, फूड प्रोडक्शन करने के लिए, हमें प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब अच्छे से उसको संचालित करने के लिए क्रॉप को या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale that is called crop. आपसे पूछा जाएगा क्रॉप क्या होता है, तो अगर एक ही स्थान पे एक ही वैरायटी की फसल को बहुत बड़े पैमाने पे अगर उगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। Crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. Crops कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेन टाइप्स कौन से हैं? Cereals यानी अनाज, vegetable मतलब सब्जियां, food food मतलब हमारे फल। ठीक है, these can be classified on the basis of the season in which they grow. किस किस सीजन में कौन से प्रोडक्शन किए जा सकते हैं, इसके बेसिस पर हम इन्हें बांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टू ग्रोथ क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। मैंने अगर आप क्रॉपिंग की बात कर रहे हो, फसल उगाने की बात कर रहे हो, तो दो टाइप को आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। एक हो जाता है आपका खरीफ क्रॉप और एक हो जाता है आपका रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन से क्रॉप होते हैं? दीज क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, यानी बरसात के टाइम पे जो भी क्रॉप्स आप बोने जाते हो या फिर उन्हें आप उगाने के लिए करते हो, रेनी सीजन में जो क्रॉप्स को हम सो करते हैं उनके बीज को, उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप। और ये जो रेनी सीजन होता है वो इंडिया में वो कब से कब तक के लिए होता है? जून से लेकर के सितंबर तक के लिए आपका होता है रेनी सीजन। और यानी अगर आपसे कभी भी पूछे खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं, आप उसको बता सकते हो पैडी यानी चावल, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, बादाम जिसको आप बोलते हो, कॉटन, ये सारे कौन कौन से हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। रेनी सीजन इंडिया में कब होता है? जून से लेकर के सितंबर तक होता है। और इसमें फसल कौन कौन सी होती है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉकोनट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन कौन से होते हैं? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। ठीक है, इन फसलों को कब उगाया जाता है? ठंड के मौसम में उगाया जाता है। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का टाइम जो होता है ये पूरा का पूरा किसके डिवोटेड होता है? रबी क्रॉप्स के डिवोटेड होता है। आप उसके बाद एग्जाम्पल अगर आप इनकी देखो तो बीट, चर्जन, गेहूं आपका, ग्राम चना, मटर, सरसों और लिंसीड, ये जो इतने टाइप्स के आपके क्रॉप्स हैं, ये कौन कौन से क्रॉप होते हैं? रबी क्रॉप्स होते हैं। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा कंटेंट कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर लिस्टेड बिलो। अभी हमने बोला ना कि प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्रॉप्स के हमें क्या करना पड़ता है, हमें अच्छे से उसको मैनेज करना पड़ता है। और अगर आप कोई फसल को उगा रहे हो, सपोज करो आप कोई फसल उगा रहे हो ठीक से, तो उसको अगर आपको मैनेज करना है तो आपको उसके लिए करना क्या होता है? कुछ स्टेप्स। सबसे पहले तो आपको मिट्टी का प्रिपरेशन करना होता है बीजों को बोने के लिए, फिर आप बीज बोते हो, उसमें सोइंग करते हो, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उस बीज को बोने के बाद उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, इसके लिए आप क्या करते हो? आप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स भी तो ऐड अप करते हो ना, फिर आप उसकी इरिगेशन करते हो, उसको प्रॉपर पानी देते हो, उसको अच्छे से उगाने के लिए, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उसमें दवा का भी छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, फिर उस कटल फसल की कटाई होती है और उसके बाद उसका स्टोरेज होता है। इस पूरे प्रोसेस में हम फूड का प्रोडक्शन, सॉरी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं।
प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल स्टार्ट टिलिंग, यानी जब भी बीज को बोने से पहले जो खेत की प्लॉइंग की जाती है या जिसको कई लोग बोलते हैं खेत को जोतना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिलिंग करना या प्लॉइंग करना। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ, प्लाउ के मदद से इसको हम लोग करते हैं। खेत को जब आप देखते होंगे ना कि कल्टीवेटर्स के साथ में ऐसे चलते रहते ट्रैक्टर के पीछे लगकर के पूरी मिट्टी को लूज करते हैं, उन्हें ढीला बना देते हैं ताकि उसमें बीज अच्छे से चले जाए, इस प्रोसेस को पूरे हम क्या बोलते हैं, प्लॉइंग। और ये किसकी मदद से किया जाता है, ये प्लाउ की मदद से किया जाता है। The main tools used for this purpose are called plow, hoe and cultivator. तो बताएं कौन-कौन से जो आपके utensils हैं जिनकी मदद से आप इसको कर सकते हो, तो ये आपके हैं plow, hoe and cultivator. Next, plow क्या होता है? This is being used since ancient times for digging the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made up of wood and is drawn by a pair of horses or other animals. Plow होता है क्या? Basically कि लकड़ी का बना हुआ एक like एक hoe type का होता है, जिसमें पीछे से जॉ बने होते हैं जो कि मिट्टी को से खुरचते हुए या उसको खींचते हुए आता है, जिससे मिट्टी पलट जाती है। पर इसको किसकी मदद से, आजकल तो इसे ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है, पर पहले इसको किसके पेयर ऑफ बोल्स यानी जो बड़े बैल होते थे पीछे इसको लगा करके खींचा जाता था, ताकि मिट्टी जो आपकी खींच जाए और वो पलट जाए, जिसमें आसानी से आप बीजों को बो सकते हो, जिसको पहले बुल्स या फिर एनिमल्स की मदद से चलाया जाता था। पर आजकल इसे किससे चलाया जाता है, ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया जाता है। ट्रैक्टर ऐसे होता है कुछ आपका और इसके पीछे आप क्या लगा देते हो, ऐसे करके ऐसे हार्वेस्टर टाइप का लगा होता है जो कि आपकी मिट्टी को ऐसे खोदता हुआ चला जाता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट, होए क्या होता है? इट इज अ सिंपल टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। होए एक छोटा सा ऐसा होता है लकड़ी का, जिसमें एक ऐसा लकड़ी का छोटा सा लगा होता है, उसमें एक छोटा सा ऐसा होता है आपके जो कि एक लोहे का बना हुआ कोई यूटेंसिल होता है, वो क्या करता है, जो खरपतवार होते हैं उनको आपके फसलों से हटाता है, मिट्टी में से हटाता है। कल्टीवेटर क्या होता है? Nowadays plowing is done by tractor driving cultivators. The use of cultivator save labor and time. पहले क्या होता था? बहुत struggling सा आपका job होता था। ऐसा कुछ होता था आपका plow, जिसमें एक ऐसे turning type का ऐसा लगा रहता था, जिसको गाय के साथ में यूज करके इसको हम लोग चलाते थे। पर अब क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे हो गए जिसमें बहुत सारे ऐसे होल्स लगे हुए जो कि आसानी से मिट्टी का खींच के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इस टाइप का आपका आज की डेट में इसको कल्टीवेटर बोलते हैं। पहले प्लाउ हुआ करता था, होल हुआ करता था। देख लेते हैं नेक्स्ट, स्प्रिंकलर। सोइंग क्या होता है? सोइंग मतलब होता है बीजों को बोना। तो सोइंग को आप क्या कह सकते हो, स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स। अगर हम बीजों को बोते हैं जमीन में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोइंग करना। नेक्स्ट, सीड ड्रिल क्या होता है? नाउ व्हाट इज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस सोस द सीड यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस अवे। पहले क्या होता था ना कि बीजों को अपने हाथ से छिड़काव किया जाता था, पर आज की डेट में मशीनें ऐसी आ गई हैं कि जो कि बराबरी दूरी पे इक्वल लेंथ पे क्या करती हैं, बीजों को बोने के लिए हमारे पास मशीनें हैं, और इन्हीं मशीनों को हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल भी कुछ कल्टीवेटर्स टाइप की होती है, ऐसे आप देख सकते हो, मैं आपको इमेज के साथ बता रहा हूँ। इसमें ऐसे ऊपर जार जैसा लगा होता है जिसमें बीज को डालते हो, और इसमें सब पाइप्स लगी होती है, इन पाइप्स की मदद से इक्वल डिस्टेंस पे जो आपकी सीड्स होती है वो चली जाती है, जिससे आसानी से आपका बीज भी अच्छे से चला जाता है खेत में, और इक्वल दूरी पे आपकी प्रोडक्शन भी होती है क्रॉप्स की, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है और आपका प्रोडक्शन और अच्छा होता है। फर्टिलाइजर्स का यूज से क्या होता है, बेटर यील्ड होता है, अच्छी प्रोडक्शन होती है। और किन किन प्रोडक्शन के लिए ज्यादा अच्छा होता है? मेजरली मक्के के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए। बट दिस एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। यानी कि जो अगर आप फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो इससे क्या होती है, जो तुरंत के लिए तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है, पर धीरे धीरे सॉइल जो होती है फर्टिलिटी लूज करने लगती है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। देखो, जो मिट्टी है ना उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए अलग अलग टाइप की क्रॉप पूरी वर्ष में बोई जाती है। सपोज करो आप गेहूं बोते हो अपने खेत में, गेहूं को कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए होता है आपकी मिट्टी से, अगर उसे वो न्यूट्रिएंट लगातार अगर लेता रहेगा तो मिट्टी में से वो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, चेंज करके प्रोडक्शन किया जाएगा, कभी चावल का, गेहूं का, ताकि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को अच्छे से बना करके रखे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। ध्यान से आप देखते हो, चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के साथ में समझा रहा हूँ। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। किन प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बचा करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वातावरण में, जो आपके नाइट्रोजन होते हैं ना, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है आपके एनवायरमेंट में, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो उसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये रूट्स में ले जा करके रखते हैं ताकि प्रोडक्शन और अच्छे से हो सके। ये कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मैन्योर जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब खाद जो कि अपने खेत में डालते हैं, उसका इस्तेमाल से क्या क्या अच्छा होता है।
एडवांटेजेस क्या होता है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। देखो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में क्या होता है ना, फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपके नेचुरल होते हैं, सॉरी जो मैन्योर्स होते हैं आपके नेचुरल होते हैं, लाइक काउ डंग हो गया या रॉटेन लीव्स हो गई, सड़ी हुई ऐसी पत्तियां, ये क्या होती है हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो मैन्योर का इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदा होता है, ये वाटर की जो कैपेसिटी है होल्ड करने की मिट्टी में उसको बढ़ा देती है, कैपेसिटी जो हमारे सॉइल में कैपेसिटी होती है ना मिट्टी को पानी को ऐसे पकड़ के रखने की, तो उसको बढ़ा देती है, सॉइल को पोरस बना देती है। ये कैसे, ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। जानते हो ना कि कोई भी प्लांट अपना कैसे खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाता है, उसके लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो इससे यानी कि इस मैन्योर की मदद से ये प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इसकी वजह से, मैन्योर की वजह से फ्रेंडली जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स के साथ साथ जैसे इंसेक्ट्स भी छोटे छोटे, जैसे वर्म्स हो गए, उनको आप लोग कछुआ भी कहते हो, छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी मदद से क्या होता है, ये प्लांट्स की या सॉइल की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा एनहांस कर जाती है। उसके बाद में इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, टेक्सचर मतलब जो बनावट होती है हमारी मिट्टी की, उसको भी बहुत ज्यादा सुधारती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पर मिट्टी के सिंचाव को या पानी देने के प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या होता है, सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब पानी देना, जो मिट्टी को किस किस थ्रू कर सकते हैं, कुएं के थ्रू कर सकते हैं, वेल्स ट्यूबवेल्स के थ्रू कर सकते हैं, जो हमारे तालाब होते हैं या जो नहरें होती हैं, नदियां होती हैं, डैम्स होते हैं, या जो कनाल होती है, नहरें होती हैं छोटी, उनकी मदद से हम खेतों में पानी पहुंचा सकते हैं। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पहले जमाने से चली आ रही है जो कुछ सिंचाई करने की जो प्रक्रिया है उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो कि इनकी मदद से होती थी, कैपिटल और ह्यूमन लेबर की वजह से होती है। जैसे कि जो गाय होती थी, आप लोग देखोगे ना कुछ एक कुआं ऐसा होता है, उसमें ऐसे व्हील टाइप का बना होता है, जिसमें ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, और ये बॉक्सेस आपके कुएं में एक पट्टा ऐसा टाइप का लगा रहता है, जिसमें ये कुआं आपके ऐसे लगे रहते हैं, और यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि एक गाय रहती है, ठीक है, एक गाय रहती है जिसके साथ में इसको अटैच कर लेता है, और जब ये गोल गोल घूमती है ना ऐसे, तो उसके साथ साथ ये भी घूमता है, और ये अंदर जाता है पानी भर के बाहर आता है, यहाँ पे टायर स्टिक का बना होता है, जिससे ये पानी गिरता है, और फिर ये पानी कहाँ से जाता है, आपकी खेत की नहर में चला जाता है ये पानी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते क्या है, रैट बोलते हैं। ठीक है, लिवर सिस्टम पे काम करता है। कुछ और भी जैसे ढीकली, चेन पंप या पुली सिस्टम, ये सब कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम अपने ट्रेडिशनली क्या करते थे, अपनी खेतों की सिंचाई करते थे। आपको ध्यान रखना है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। अब मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कैसा होता है, जो आपका हो गया सपोज करो एक सोर्स हो गया वाटर का, इसमें ढेर सारी पाइप्स ऐसे जाती हैं, उन पाइप्स के एजेस पे ऐसे छोटे छोटे बड़े पाइप्स लगाए जाते हैं, जो कि पानी के छिड़काव को बहुत दूर दूर तक और बहुत कम पानी को ये बहुत दूर दूर तक फैलाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, ये हो जाता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ये भी सेम पानी का एक सोर्स हो गया, इसमें बहुत सारे पाइप्स ऐसे जाते हैं रोज में, इसमें जगह जगह पे ना छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन्हीं छेद के पास में ये जो होल्स होते हैं, इन्हीं के पास में हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और जब हम यहाँ से पानी को ऑन करते हैं, जब यहाँ से पानी को ऑन करते हैं तो ये जगह जगह पे पहुंचा देता है, उसके बाद हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो कम पानी में ज्यादातर जो प्रोडक्शन या फिर इरिगेशन हो जाए, प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं आपके ड्रिप सिस्टम। और ये किसमें इंक्लूडेड होता है, आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में नहीं यूज होता है, ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इन द फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, जब भी आप फसल का उत्पादन कर रहे हो तो उस उत्पादन के साथ में बहुत सारे अनवांटेड, जिनको आप नहीं चाहते हो जो ग्रास ग्रो करे अगर वो ग्रो करते हैं, उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। कभी भी प्लांट में से वीड्स को हटाने को, खरपतवार बोलते हैं बेसिकली, इसको हटाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। वीड्स को यानी खरपतवारों को हटाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, जब वो फ्लावर्स या फिर सीड्स बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर एक प्लांट, अगर आप एक वीड सीड्स बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, तो और भी ज्यादा प्लांट्स को जन्म देगा, तो इसको हटाने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है, जब इसके फ्लावर्स या फिर सीड्स ना हो। टिलिंग क्या होता है, बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। यानी टिलिंग क्या होता है, मिट्टी की खुदाई करना बेसिकली होता है। ये क्या होता है, जब आप बीज का बुआई करने के लिए जा रहे हो आप, तो उसमें क्या करते हो आप, पहले से जो पहले से खरपतवार है उनको सोवल की मदद से आप निकाल लेते हो। ठीक है, तो उसको इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जब तैयार हो जाती है फसल उसको हटा देते हैं, जब हम अपनी इसमें स्टोर कर लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। ठीक
जिनके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, मिट्टी में से आप इन वीड्स को हटा सकते हो. द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसरिंग. अब जैसे मान लो तुमने गेहूं को उगाया, तो गेहूं का बीज जो है उस फसल के अंदर है, तो उस फसल को बाहर निकालना है गेहूं को, तो उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, थ्रेसर का. वो आपके फसलों के बीज को अलग कर देगा, जो अनवांटेड वीड्स हैं उनको बाहर कर देगा. इसको किसकी मदद से किया जाता है, थ्रेसिंग की मदद से किया जाता है. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोइंग. विनोइंग क्या होता है, देखो एक ऐसे फैन समझो, ठीक है, ये कोई फैन है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो कि फैन को खड़े होकर के चला रहा है, ऐसे घुमा रहा है, और यहाँ पे आप एक कोई बर्तन ले लो जिसमें से आप इन ग्रेन्स को ऐसे नीचे गिराओ, और इस हवा की मदद से जो ये अनवांटेड वीड्स हैं वो उड़ करके यहाँ इकट्ठे हो जाए, और जो जरूरत वाली जो हमारी ग्रेन्स है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाए. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सन यहाँ पे मान लो खड़े होकर के इस पर से करे, ठीक है, तो यहाँ पे हवा की मदद से जो अनवांटेड वीड्स इधर उड़ के चले आएंगे, और यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा सीड्स इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को. नेक्स्ट स्टोरेज. अब फसल का उत्पादन भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसका स्टोर कैसे करें. इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट ट्रैप्स एंड माइक्रोबीज. अगर आपने जो फसल का उत्पादन किया उसको लंबे समय तक बना करके रखना चाहते हो, तो आपको उनसे किन चीजों से बचाना पड़ेगा, नमी से, कीड़ों मकोड़ों से, और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो छोटे जीव जंतु होते हैं उनसे बचा करके रखना पड़ेगा, और इसीलिए आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, यानी बड़ी बड़ी जो मेटल के बने हुए बर्तन होते हैं उसमें या तो अपने अनाज को रखा जाता है, या फिर क्या किया जाता है, जो जूट के बने हुए बोरे होते हैं बेसिकली उसमें रखा जाता है. जैसे यूपी में आप देखोगे गेहूं चावल को, तो चावल को स्टील के बर्तनों में बड़े बड़े रखा जाता है, और गेहूं को बोरे में रख करके एक के ऊपर एक ऐसे रखा जाता है, ऐसे किसी स्टोर हाउस में, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरिंग करना. स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सॉइल्स एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स. कोई ग्रेनरी होती है अनाज वाले जो आपका होता है, जहाँ पे अनाज को रखते हो, कोई प्रॉपर प्लेस होता है जहाँ पे लाइक मॉइस्चर नहीं आ सकता, रैट्स चूहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े नहीं आ सकते, आपकी फसल को बर्बाद कर सकते हो. तो इसके लिए कौन सा होता है, अलग अलग टाइप के ग्रेनरीज बनाई जाती है. फूड्स एंड एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स have to be provided with proper food shelters and care. When this is done on a large scale, that is called animal husbandry. So friends, यहाँ पे storage आपने समझ लिया. उसके बाद देखिए क्या animal husbandry क्या होता है. Animal husbandry में किसी के घर पे या बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे अगर आप पशु पालन करते हो, basically उनसे कुछ किसी चीज का production करते हो, like आप दूध के production के लिए गाय को पालते हो, तो इसकी पूरी जो देखरेख की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको cow dung मिलता है, आपको दूध मिलता है, जिसको आप प्रोड्यूस करते हो और उन्हें फीड करते हो, पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है. तो ये फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट हमारा सिलेबस था, ये पूरा क्लास 9 का चैप्टर 1 का जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हमने आज की इस एक्चुअल वीडियो में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीटली. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी टाइप की और वीडियोस या अपनी पूरी पूरी क्लास 9th क्लास 6th एंड क्लास 11 की प्रिपरेशन अच्छे से और जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा आपके पास, करना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म YouTube पाठशाला के साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हो. उसके लिए आपको करना क्या है, 9519383272 पे कॉल करना है. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.